क्या संजना जी वाकई इस तरह की संभावना है क्या? कोई भी कहीं भी जा सकता है संजना जी, अगर बहुमत नहीं मिला किसी गठबंधन को तो? देखिए, अभी शिवसेना महाविकास आघाड़ी के साथ है, गए टाइम का एक्सपीरियंस अलग था। सुबह सुबह 4 बजे कुछ हुआ और उसके बाद उद्धव साहब जी ने भी अपना रुख बदला, तो इस बार तो ऐसे कोई आसार है नहीं। और ये महाराष्ट्र की क्या, भारत की जनता भी ये अभी पसंद नहीं करती है, और कहीं पे पॉलिटिकल नेताओं के भी ये ध्यान में आ रहा है। अभी जब प्रचार में हम घूमते हैं तो बहुत जगह पे ये जनता की डिमांड रहती है कि अगर आपके उम्मीदवार चुन के आएंगे तो हमें गारंटी मिलेगी क्या वो पार्टी नहीं बदलेंगे, और हमें ये गारंटी मिलेगी क्या कि ये संगठन, ये जो आघाड़ी बनी है, ये कहीं और डाइवर्ट इसमें से पार्टियां नहीं होगी। तो इस तरह से डिमांड मतदाताओं के पास से भी आ रहा है, तो इससे मुझे कहीं पे एक विश्वास है कि आगे जाके ऐसे कोई गणित नहीं बनेंगे, या नहीं बनना ही हर एक पार्टी के हित में रहेगा। प्रदीप भंडारी, क्या नई संभावनाएं बन सकती हैं, रीअलाइनमेंट हो सकता है महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स का, प्रदीप, अगर हंग असेंबली होती है तो? मानक जी, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं आपस से आपको कहूँगा, महाराष्ट्र में महायुक्ति की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की आधी आबादी महिला विरोधी महाविनाश अगाड़ी के विरुद्ध है, जिसने महिलाओं को जो इम्पोर्टेड माल, रिजेक्टेड माल और बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और उन नेताओं को ये पार्टी से नहीं हटाते, और जो इस वक्त खुद जो है पूरे महिलाओं के खिलाफ इन लोगों ने एक तरफा पूरा एक रणनीति चालू कर दी है, महाविनाश अगाड़ी जो है वो हारने वाली है, और हम सिर्फ विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने बात करी थी उद्धव सेना के कि भाई हम बड़ा रोजगार देंगे, बड़ा स्टार्टअप्स की बात करेंगे। जब इनकी सरकार थी, ये पिक्चर पूरे देश के मीडिया के सामने थी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो रोजगार देते थे उनके घर के बाहर ये बॉम्ब प्लांट करते थे और 100 करोड़ का वसूली रैकेट चलाते थे। मैं उद्धव सेना को कहना चाहता हूँ, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये रहा लेटेस्ट प्रोजेक्ट का डेटा, जिसके हिसाब से सबसे ज्यादा देश में अगर प्रोजेक्ट किसी भी राज्य के पास आया है तो वो महाराष्ट्र के पास आया है। 20% प्रोजेक्ट्स, जो न्यू प्रोजेक्ट्स क्वार्टर 2025 के आने वाले, वो महाराष्ट्र के पास है। तो विकास भी हो रहा है, ये आपको आपके लूट वाली सरकार पे वापस नहीं जाया जाएगा, तो हम बहुत आश्वस्त है। और मैं संजना गाड़ी क्विक रिस्पांस, ये संविधान की कॉपी को लेकर एक मिनट रुक जाइए, संविधान वाले मुद्दे पे भी आ रहा हूं प्रदीप, क्योंकि आलोक जी उसका जवाब देंगे। जो आंकड़ों का खेल जो प्रदीप जी बता रहे ना, देखिए जैसे हम लोगों ने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बताया, वैसे ही चीज है कि योजनाएं इनकी, आंकड़े इनके, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं ये इनकी, इस तरह से इनका काम हो रहा है। लेकिन लोग बेहाल है, महाराष्ट्र की जनता बेहाल है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिला असुरक्षितता का प्रमाण बढ़ रहा है, और इन सभी चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है। लोकसभा में महाराष्ट्र की जनता ने इस युति को नकारा है और महाविकास आघाड़ी को स्वीकारा है, और यही चित्र लोकसभा के बाद आने वाली विधानसभा की कितनी चुनाव में भी आपको संजना जी एमबीओ कितनी सीटें दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी। प्रदीप जल्दी से बोलिए, उसके बाद आलोक जी।